तो मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। हम सभी जानते हैं कि रक्षित शेट्टी 777 चार्ली की शूटिंग कर रहे थे जब महामारी की स्थिति पैदा हो गई थी। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद शूटिंग को रोक दिया गया था। बाद में जब राष्ट्र धीरे धीरे नए सामान्य रूप में ढल गया और जब सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी तो फिल्म के निर्माताओं ने शूटिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फिल्म की अगली शूटिंग का शेड्यूल कश्मीर में शुरू करने की तैयारी है। दरअसल रक्षित ने खुद पिछले महीने ट्विटर पर कहा था कि वे शूटिंग के अंतिम चरण की शुरुआत करेंगे। चार्ली ने कुत्तों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, #777Charlie का अंतिम शेड्यूल जल्द ही शुरू होने वाला है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेट पर शूटिंग के बीच क्या करता हूं, तो यहां क्लू है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में जब निर्माताओं ने लॉकडाउन के बाद शूटिंग शुरू की तो निर्देशक ने कहा कि फिल्म की 75% से अधिक शूटिंग हो चुकी है। उन्होंने लिखा, शूटिंग का 75% पूरा होने के बाद एक लंबे ठहराव के बाद सेट पर वापस आने के लिए उत्साहित हूँ। शेड्यूल के शेष 25% पर एक विशाल कैनवास पर काम किया जाएगा और यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। सभी को इसकी आवश्यकता होगी। आपकी शुभकामनाएं और इसे खत्म करने के लिए प्यार करना। इस बीच रक्षित शेट्टी को हेमंत एम राव की अगली शब्द सागर दांचे यालो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी रोल अप किया गया। रिची और पुण्य कोटी में उनकी किटी में अन्य दो और हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।